दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया, इसकी लंबाई तकरीबन 6,670 किलोमीटर है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलता है। इस इलाके में बारिशें चूंकि बहुत ज्यादा होती हैं, लिहाजा बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में हाथी, शेर, गैंडे, जंगली भैंसे, हिरन, नील गाय और दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं। इस इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। जब ये दरिया सूडान में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है, क्योंकि दरिया एक ज़बरदस्त दलदल से गुजरता है और ये दलदल दुनिया की सबसे बड़ी दलदल है, यानी 700 किलोमीटर लंबी है। यहाँ एक किस्म की घास पापायरस पाई जाती है जो पूरे दलदल पर छाई रहती है। ये इतनी घनी गति और मजबूत है कि इस पर एक हाथी खड़ा हो जाए और वो नीचे नहीं जाएगा और सीधा ही खड़ा रहेगा। दरिया का पानी घास के नीचे नीचे बहता है और पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ है। यहाँ सार्स, बगले और पानी में रहने वाली मुख्तलिफ चिड़ियाँ बकसरत पाई जाती हैं। अंग्रेजी लफ्ज़ का पेपर इसी लफ्ज़ पापायरस से बना है और इसी घास से कागज़ बनाया जाता है। दरिया नील के सारे मददगार यानी मावन दरियाए हबशा के पहाड़ों से निकलकर इसमें शामिल होते हैं। इनमें से बड़ा और अहम दरिया नील और नील कहलाता है। ये दरिया हबशा में झील ताना से निकलता है और फौरन बाद आबशार की सूरत में एक नहायत गहरे खड में गिरता है और बहता हुआ खरतूम के मकाम पर दरिया नील में मिल जाता है। खरतूम के बाद एतबारा के मकाम पर एतबारा नाम का एक और दरिया दरिया नील में शामिल होता है। ये भी हबशा के पहाड़ों से झील ताना के करीब से निकलता है। खरतूम के बाद दरिया नील में कई उतार यानी ढाल जो एकदम नीचे उतरते हों आते हैं। ये तकरीबन 6 मकामात पर हैं। दरिया की तह में बड़ी मजबूत और नकीली चट्टाने हैं, इनको दरिया नील की रिकावटें कहा जाता है। इन मकामात से कश्तियाँ या मोटर बाइट्स नहीं गुजर सकती। सूडान में मिस्र की सरहद पर दरिया नील इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी झील यानी झील नासर में दाखिल होता है। यहाँ आसवान के मकाम पर आसवान बंद बांधा गया है। इस बंद से दरिया का पानी रुक गया है और एक झील बन गई है। इस बंद से आपाशी के लिए नहरें निकाली गई हैं और पानी को सुरंगों से गुजार कर इस पानी से बिजली पैदा की गई है। आसवान बंद की नहरों से दरिया नील के दोनों तरफ 50-50 मील तक काश्तकारी होती है और इलाका नहायत सरसब्ज़ शादाब और आबाद हुआ है। इसी वजह से मिस्र को दरिया नील का तोहफा कहा जाता है, जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में सुबह सिंध को दरिया सिंध का तोहफा कहा जाता है। काहिरा से गुजर का दरिया बहुत खामोशी और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शाहों में बटकर इस्कंदरिया के करीब बहरे रूम में गिर जाता है। दरिया की रफ्तार और पानी की कैफियत मालूम करने के लिए मिस्री लोग एक पैमाना बनाते थे और ये दरिया के किनारे एक कमरा होता था। इसे नीलोमीटर कहते थे। इसमें एक सुरंग से दरिया का पानी आता रहता था। इस पैमाने से पानी की हरारत, रंग, कैफियत मालूम होती थी और इसका साल भर रिकॉर्ड रखा जाता था। रिकॉर्ड से मालूम होता था कि तोगयानी आएगी या नहीं और अगर आएगी तो क्या असरात होंगे, फसलों के लिए अच्छी होगी या नुकसानदेह होगी। लोगों को इलम ही नहीं था कि दरिया नील कहाँ से निकलता है। हालांकि हज़ारों साल से लोग इस वादी में रहते हैं, आहिस्ता तहजीबें जन्म लेती रहीं और मिटती रहीं, मगर किसी ने यह दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की ये कहाँ से निकलता है और किन किन मकामात से गुजरता है। 17वीं सदी में कोशिश की गई कि दरिया के निकलने की जगह मालूम की जाए, तो मालूम हुआ ये दरिया झील ताना से निकलता है, मगर इसके किनारे किनारे कोई चल ना सका क्योंकि ये बड़े खतरनाक पहाड़ों और खड्डों में गिरता है। दरिया के तेज़ पानी ने चट्टानों को कुछ इस तरह काटा है कि दोनों तरफ दीवारें सी बन गई हैं और इन चट्टानी दीवारों पर से कोई गुजर नहीं सकता। 18वीं सदी में यूरोपीय सियाहों ने अफ्रीका के अंदरूनी इलाके दरियाफ्त करना शुरू किए। रिचर्ड बर्टन और स्पीक 1857 में अफ्रीका के मशरकी साहल से रवाना हुए। दुश्वार गुजार रास्तों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरे। मच्छरों की वजह से मलेरिया में मुबतला हुए। बर्टन इतना बीमार हुआ कि आगे न बढ़ सका, मगर स्पीक चलता रहा और झील विक्टोरिया तक पहुंच गया। स्पीक के मुताबिक यही झील दरिया नील के निकलने की जगह थी जिसको दुनिया ने तस्लीम कर लिया। ये झील युगांडा में है। कंपला युगांडा का दारुल हुकूमत है जो इसी झील के किनारे आबाद है। वादी नील का सबसे बड़ा शहर काहिरा है। यह दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी
जामेल जोहरा वाकया हैं, काहिरा के करीब अब्राहम और अबुल होल वाकया हैं, मिस्री बादशाहों के मकबरे हैं जिनमें मम्मी मसाला लगी लाशें रखी हुई हैं। ये हनूत शुदा लाशें आज तक वैसी की वैसी हैं। गली सड़ी नहीं, काहिरा का अजायब घर भी देखने के लायक है। दरिया नील के दहाने पर सिकंदरिया का शहर आबाद है, इसका नाम सिकंदर आजम के नाम पर है। यहाँ एक लाइट हाउस भी हुआ करता था जो अजायबात आलम में शुमार होता था, मगर जलजले ने इसको गिरा दिया। तीसरा बड़ा शहर खरतूम है, खरतूम के मैनी हाथी की सोंड के हैं। यह सूडान का दारुल हुकूमत है। नया खरतूम अंग्रेज़ों ने आबाद किया और इसके मनसूबा बंदी अपने झंडे यूनियन चेक की तरह हैं। ऐसे ही यूनियन चेक जैसी मनसूबा बंदी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की भी अंग्रेज़ों ने की थी।